संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाग 1, 2 और 3। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोथियाल आप सभी छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे पहले सभी वीडियो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय भाग 1 की, जिसमें आज हम उनके जीवन परिचय को जानने समझने के साथ साथ उनकी साहित्य साधना पर भी संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूरज कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित रामसहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। शिक्षा, निराला की शिक्षा यहीं बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाईस्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाईस्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़ाकोला उन्नाव आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुँचते पहुँचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। विवाह, 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रायबरेली जिले में डलमू के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी सुंदर और शिक्षित थी। उनको संगीत का अभ्यास भी था। पत्नी के जोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद अतिशीघ्र ही उन्होंने बंगला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया। बचपन के नैराश्य और एकाकी जीवन के पश्चात उन्होंने कुछ वर्ष अपनी पत्नी के साथ सुख से बिताए, किंतु यह सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिका और उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी 20 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। बाद में उनकी पुत्री जो की विधवा थी की भी मृत्यु हो गई। वे आर्थिक विषमताओं से भी घिरे रहे। ऐसे समय में उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के साथ प्रूफ रीडर के रूप में काम किया। उन्होंने समन्वय का भी संपादन किया। पारिवारिक विपत्तियां, 16-17 वर्ष की उम्र से ही इनके जीवन में विपत्तियां आरंभ हो गईं, पर अनेक प्रकार के दैवीय, सामाजिक और साहित्यिक संघर्षों को झेलते हुए भी इन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नीचा नहीं किया। इनकी माँ पहले ही गत हो चुकी थी, पिता का भी असामयिक निधन हो गया। इन्फ्लुएंजा के विकराल प्रकोप में घर के अन्य प्राणी भी चल बसे। पत्नी की मृत्यु से तो ये टूट से गए, पर कुटुंब के पालन पोषण का भार स्वयं झेलते हुए वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इन व्यक्तियों से त्राण पाने में इनके दार्शनिक ने अच्छी सहायता पहुंचाई। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छू नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही प्राप्त हुआ। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया।
शेष कुंबे का बोझ उठाने में महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तराध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। लेखन कार्य। निराला ने 1920 के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचनाकाल निराला ने स्वयं 1916 बतलाया था, वस्तुतः 1921 के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभुत मात्रा में लिखा है। प्रकाशित कृतियां, काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय तुलसीदास 1939, कुकुरमुता 1942, अनिमा 1943, वेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतकुंज 1954, सांध्य काकली अपरा संचयन उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, बिल्लेसुर बकरेहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, अपूर्ण चमेली, अपूर्ण इंदुलेखा, कहानी संग्रह लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945, सखी संग्रह का ही नए नाम से पुनर्प्रकाशन, देवी 1948, पूर्व प्रकाशित संग्रहों से संचयन, एकमात्र नई कहानी जानकी, निबंध आलोचना रविंद्र, कविता कानन 1929, प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963, पुराण कथा महाभारत 1939, रामायण की अंतर्कथाएं 1956, बालोपयोगी साहित्य भक्त ध्रुव 1926, भक्त प्रहलाद 1926, भीष्म 1926, महाराणा प्रताप 1927, सीखपुरी कहानियां ईस्ट की नीति कथाएं 1969, अनुवाद रामचरितमानस विनय भाग 1948, खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद आनंद मठ बांला से गद्यानुवाद, विश्व वृक्ष कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह राजरानी, देवी चौधरानी युगलांगुलीय, चंद्रशेखर रजनी, श्रीराम कृष्ण वचनामृत तीन खंडों में, परिव्राजक भारत में विवेकानंद, राजयोग अंशानुवाद, रचनावली निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में पूर्व प्रकाशित एवं अप्रकाशित संपूर्ण रचनाओं का सुनियोजित प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1983। तो इस प्रकार दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाग 1 में कवि के जीवन परिचय को पढ़ा और देखा, आपको जरूर पसंद आया होगा। मित्रों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाग 2 को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।